हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गैलेक्सी फोटो स्टोर। आज का जो वीडियो है एक काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में है, जिसका नाम है ड्राई कैबिनेट्स। ड्राई कैबिनेट्स बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर आपका जितना भी कैमरा का और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जैसे कि कैमरा बॉडी, लेंसेज, फ्लैशेज, रिकॉर्डर्स, जो भी आपके एक्सेसरीज हैं जिसमें कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट है, उसको आप स्टोर कर सकते हैं। इसका बेनिफिट सबसे बड़ा यही है कि इसके अंदर जो एक कैबिनेट के अंदर एक मशीन लगी होती है, जिससे आपका ह्यूमिडिटी कंट्रोल हो जाती है। तो ह्यूमिडिटी जो है, उससे सबसे बड़ा नुकसान इक्विपमेंट पे ये पड़ता है, एक तो कोरोजन होती है, और जैसे कोई आइटम मेटेलिक है तो उस पर जंग वंग लग सकता है। एक प्लस उसके अंदर जो आपका कैमरा है उसमें रबर पार्ट्स होते हैं, जैसे लेंस के ऊपर लगा होता है आपका जो ग्रिप होती है लेंस की, या बैटरी ग्रिप होती है, कैमरे के ऊपर भी एक रबड़ होता है, वो रबड़ सारे गल सकते हैं मॉइस्चर से। और जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपका फंगस लपकी लगती है लेंसेज के अंदर, जहाँ भी आपका थोड़ा सा मॉइस्चर ज़्यादा होगा। जैसे कि आपने एक लेंस को बैग में छोड़ दिया और उसको अगर आपने काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं किया, तो अंधेरे में थोड़ा सा मॉइस्चर जहाँ भी मिलेगा वहाँ फंगस ग्रो हो जाती है। तो फंगस से आपको अगर बचना है तो आपको ह्यूमिडिटी को दूर रखना पड़ेगा इक्विपमेंट में। तो ये तीन चार चीज़ें जो होती हैं, ये सारी मॉइस्चर से लिंक्ड होती हैं, इन सब से आपको ये प्रोटेक्ट करता है ड्राई कैबिनेट। इसके अंदर डीह्यूमिडिफायर क्योंकि लगा होता है, तो फंगस से आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपको ये तो पता ही होगा कि भाई फंगस लगने से जब क्लीनिंग करवानी पड़ती है तो बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, अप्रॉक्सीमेटली 5 से 10 हज़ार डिपेंडिंग ऑन द लेंस मॉडल। तो उसका लेबर का जो खर्चा है, प्लस फिर उसके बाद नॉर्मली ये भी होता है कि लेंस वैसे प्रॉपरली वर्क नहीं करती। अगर सर्विस सेंटर में कराओ तो चलो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर से कराते हो तो उनसे ढंग से असेंबल नहीं हो पाती, परफॉर्मेंस भी इफेक्ट करती है। तो ये जो आपके पैसे बचेंगे उस हिसाब से इसकी कॉस्ट कुछ भी नहीं है, और इक्विपमेंट की कॉस्ट ओवरऑल वैसे ही मिनिमम आपकी वेडिंग फोटोग्राफर्स की 3 लाख से 5 लाख होती है। 3 से 5 लाख का सामान रखने के लिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट कोई बुरी नहीं है। प्राइसिंग मैं आपको एंड में बता दूंगा कि इसकी कितनी होती है। प्लस इसमें फंगस के अलावा एक और एडवांटेज ये भी है कि जो फंगस नहीं लगती, लेकिन मॉइस्चर से कई बार ऐसा भी होता है कि इक्विपमेंट के जैसे लेंस का आपका जहाँ लेंस माउंट होती है, जहाँ बैटरी लगती है, उस वाले स्लॉट में भी मॉइस्चर चले आता है, तो उससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, जिससे आपका बोर्ड भी उड़ सकता है कैमरे का, या कुछ एरर आ सकता है लेंस में, चिप ख़राब हो सकती है। तो मॉइस्चर का सिर्फ फंगस ही नहीं, बाकी शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी एक चीज़ है। बाकी इस अलमारी में अगर आपने देखा होगा जो इमेजेस से आपको आइडिया लगा या नहीं लगा, इसमें सेफ कीपिंग का भी कंपोनेंट है कि भाई इसमें लॉक होता है, तो आप लॉक करके जैसे इक्विपमेंट को रखेंगे तो इक्विपमेंट आपका सेफ ही रहेगा। और अगर आप नॉर्मली भी तो आप किसी अलमारी में रखोगे, उसकी भी कॉस्ट आएगी, तो उससे बेटर है इस अलमारी में रखो, डेडिकेटेड इसके लिए ही बनी है। तो उस अलमारी में आप इसको सेफली लॉक कर सकते हैं, और डिस्प्ले में भी रहेगा, हमेशा नज़र में रहेगा कि हाँ भाई सामान जो रखा था वो उसके अंदर है या नहीं। तो आफ्टर इवेंट जैसे आप आएंगे तो आप उसको सेम अरेंजमेंट कर सकते हैं। और जो इक्विपमेंट, और इसके अंदर एक लाइट भी होती है, तो लाइट लो लाइट के अंदर भी अगर आपको इसके अंदर से सामान निकालना है विदाउट डिस्टर्बिंग, या कोई रूम में और बंदा आपको है तो उसको डिस्टर्ब नहीं करना, तो अंधेरे में भी आप इसके अंदर की लाइट ऑन करके इसमें सामान निकाल और डाल सकते हो, तो वो भी एक अच्छा सा फीचर है इसके अंदर। ह्यूमिडिटी कंट्रोल करने के लिए इसके ऊपर अगर आपने टॉप राइट कॉर्नर में देखा होगा, मोस्टली ब्रांड में यही होता है कि जिसमें आप एक डिजिटल डिस्प्ले होता है, डिजिटल डिस्प्ले के अंदर टेम्परेचर डिग्रीज या फ़ारेनहाइट में दिखता है, वो आप चेंज भी कर सकते हैं उससे बटन से। प्लस इसके अंदर जो एरोज होते हैं उसको आप उस ह्यूमिडिटी लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो आइडियली हर मैनुअल में मैंने जो पढ़ा है और साइंस के हिसाब से जो आपका ये है कैमरा इक्विपमेंट जितना भी है, वो 40-50% ह्यूमिडिटी रेंज में रखने में सेफ रहेगा। तो आप उसको सेट कर सकते हैं एक बार, तो उससे आपका मेंटेन हो जाएगी ह्यूमिडिटी। इसके अंदर जब भी आपको इक्विपमेंट को रखना है तो हमेशा ऑन रखना है, ऑफ में नहीं रखना। तो पावर बैकअप अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो कोशिश करिए कि कभी ऑफ ना हो, और अगर ऑफ होगा तो फिर आपको बेटर है कि आप खोल दें, क्योंकि ये सील हो जाता है, तो अगर ऑफ में अगर अंदर पड़ा रहेगा तो उसमें भी रिस्क है। तो और बाकी जो पावर कंजम्पशन की बात है, पावर कंजम्पशन इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आप पावर अडॉप्टर से चलता है, तो पावर अडॉप्टर हो गया 12 वोल्ट का जैसे, तो सेम जैसे आपका मोबाइल का चार्जर होता है, जितनी कंजम्पशन आपकी मोबाइल के चार्जर की होगी
20 वॉट मैक्सिमम, 20 वॉट ही लेता है, तो पावर का कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। और अगर बात करें कि इसको कौन से एरिया में ज़रूरत है, नॉर्मली लोगों के मन में यही आता है कि हमारा तो मतलब जो एरिया है वो समुंदर से दूर है, कोस्टल एरिया नहीं है, तो हमें कैबिनेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि कोस्टल एरिया में ही आपका मॉइस्चर आए, जो नॉर्मल दूसरे इनर बाउंड एरिया होते हैं उसमें भी कुछ साल में 3 या 4 महीने तो मानसून रहता ही है, उस पॉइंट पे आपका रिस्क रहता है। प्लस जब इक्विपमेंट को अपना काफ़ी टाइम के लिए यूज़ नहीं करते, जैसे इस टाइम लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में आप इक्विपमेंट आपका उतना काम नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो सर इक्विपमेंट बैग में ही पड़ा है, तो उसमें भी मॉइस्चर का रिस्क आ जाता है। और अगर आप वैसे देखें तो सर्दियों में भी ड्यू आती है, अगर आपने देखा ओस जिसे बोलते हैं गाड़ियों के शीशों पे, तो उस तरीके से इक्विपमेंट है और लेंसेज हैं वो भी शीशा है, तो ठंडा जैसे ही होगा उसमें भी आपके इक्विपमेंट के ऊपर मॉइस्चर आ सकता है कंडेंसेशन के थ्रू। तो सिर्फ समर्स में ही एक ऐसा सीजन है जिसमें मिनिमम आपका रिस्क है, खासकर मतलब कि जो को एरियाज आपके इनबाउंड है एरिया, मतलब कोस्ट से दूर हैं, सिर्फ समर्स में इक्विपमेंट सेव है, लेकिन बाकी मानसून में और सर्दियों में रिस्क रहता है पूरा पूरा, और जब आप यूज़ नहीं कर रहे। तो ये मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ कोस्टल एरिया में ही रिस्क है, तो इसका जो यूज़ है हर जगह पे ही है। और जो इसकी कॉस्ट है बहुत ज़्यादा नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली जैसे साइज़ के हिसाब से कॉस्टिंग है, मिनिमम आपका जो स्टार्ट होता है इसका 30 लीटर होता है, 50 लीटर ऐसे करके आते हैं साइजेस। जिसका सिंगल बॉडी किट है तो, या 2 लेंसेज 3 लेंसेज 1 फ्लैश, एंट्री लेवल के लिए 30 लीटर काफ़ी है, उसके ऊपर 50 आता है। लेकिन ये आपको देखना है कि आपने आगे क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, आगे क्या गियर लेना, तो उस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपने अभी थोड़ा सा सामान ले रखा है, आप फिर आप बाद में कैबिनेट तो चेंज करेंगे नहीं, तो नॉर्मली यही होता है, जैसे आपका उतना साइज़ ले लो जितना आपको लगता है कि भाई फ्यूचर प्रूफ हो, जितनी आपकी करंट रिक्वायरमेंट है उससे ऑलमोस्ट डबल साइज़ का आप ले सकते हैं। जैसे आइडियली मैं तो रिकमेंड करता हूँ जो वेडिंग प्रोफेशनल्स हैं उनका मिनिमम 80 लीटर तो लेना ही चाहिए, तो उसमें आपका 2 बॉडीज 6-7 लेंसेज पूरा किट एक्सेसरीज के साथ आ जाता है, क्योंकि बॉडीज़ को भी रखना ही होता है इसके अंदर, ये नहीं है कि सिर्फ लेंसेज के लिए, क्योंकि बॉडीज़ पे भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, तो मॉइस्चर वहाँ पे जाके भी आपको ख़राब कर सकता है। माइक्रोफोन्स हैं जैसे, उसके अंदर भी जहाँ सेल लगते हैं वहाँ भी मॉइस्चर जा सकता है, तो हर चीज़ पे रिस्क है। तो सारे इक्विपमेंट के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, आइडियली मैं 80 लीटर रिकमेंड करता हूँ। बाकी अगर आपका अच्छा और ज़्यादा इक्विपमेंट है तो 120 से बड़ा वेडिंग इंडस्ट्री में ज़रूरत नहीं है, अनलेस कि आपका स्टूडियो है, बहुत सारे आपकी टीम है बड़ी, उसमें सबके कैमराज आपने खुद खरीद के रखे हैं, तो उसमें 120 लीटर्स पे आप जा सकते हैं। नॉर्मली पर्सनल यूज़ के लिए इसके 2 बॉडीज़ हैं तो 80 या मैक्सिमम 120 तक जाइए, 120 से ऊपर कमर्शियल लेवल का हो जाता है, स्टूडियो ओनर्स या जो जिसका बहुत ज़्यादा सामान है उसमें, फिर वो 180 300 2 डोर जैसे फ्रिज होता है उस टाइप का भी ले सकते हैं। तो बाकी अभी इस टाइम क्योंकि मैं स्टोर में नहीं हूँ तो मैं आपको एक अनबॉक्सिंग इसकी नहीं दिखा रहा, लेकिन मैं एक छोटा सा क्लिप एंड में डाल रहा हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में कैसा होता है, उसमें कितनी स्टोरेज होती है। ये वीडियो में 120 लीटर का बॉक्स का एक छोटी सी क्लिप है, बाकी शुरू में मैंने आपको इमेजेस दिखाई दी, उसमें आपने देख ही लिया होगा कि अप्रॉक्सीमेटली कैसे कैसे साइजेस हैं और इनका वेट क्या क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा जगह घेरता नहीं है, अगर आपका छोटा सा ऑफिस भी है, एक कमरे का घर भी है, तो उसमें जैसे बाकी अलमारियाँ पड़ी हैं एक कोने में आ जाएगा, तो कुछ ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट। लेकिन हाँ, इसका वेट होता है तो पोर्टेबल नहीं है, जहाँ भी रखिए इसको परमानेंट एक जगह पे रखना पड़ेगा, क्योंकि 10 किलो से स्टार्ट होता है वेट, 10 15 20 25 डिपेंडिंग ऑन साइज़, तो उस हिसाब से इसको आपको मैनेज करना पड़ता है। बाकी ये वीडियो मैं आपको दिखाई रहा हूँ, इससे आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा, और फिर कभी फ्यूचर में अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी तो आप हमारे स्टोर पर विजिट करके खरीद ही सकते हैं इसको, और अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो हम इसको शिपिंग भी करवाते हैं। प्राइसिंग मैं आपको बता ही दूंगा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।